हेलो प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में मैथ्स की एक वर्कशीट कंप्लीट करेंगे जिसमें आप क्या करेंगे, मैम की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप हेल्प करोगे ना? वेरी गुड, ओके। ये आप देख रहे हो, ये वर्कशीट है। ठीक है, और किस चीज की? सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। कोई जो डिजिट दी गई होती है उसमें से हमें कम करना होता है। जो नंबर दिया हुआ था ना, एक तो पहले नंबर होता है और एक छोटा नंबर होता है। अब बोल देना कि ऊपर वाला जो नंबर है उसमें से डिलीट, मतलब ये कुछ, मतलब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना, मतलब घटाना है। ठीक है, तो जो नंबर दिया होता है, जैसे कि अभी 4 नंबर दिया गया है। ठीक है, ये क्या दे रहे हैं, नंबर है। नीचे आपने 2 लिख दिया और माइनस का आपका ये साइन होता है। ठीक है, क्या होता है माइनस का? आपका ये साइन है। उसके बाद हमें 4 में से 2 क्या करने हैं, घटाने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो कैसे करेंगे हम? काउंटिंग से भी कर सकते हैं, सीरियल देखो इस तरह से स्टैंडिंग लाइन के थ्रू भी। जैसे 4 है, 4 स्टैंड लाइन, उसमें से कितने कट करने हैं हमें, 2। तो 1 2 ये हमने कट कर दिए। उसके बाद हम काउंट करते कितने नंबर बच गए हमारे पास स्टैंडिंग लाइन की, 1 2। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 2। इस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो आइए हम ये वर्कशीट सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं क्या नंबर लिखा बेटा, 5। और यहाँ पर देखो ये जो पिक्चर, ये कितनी है, ये भी 5 है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, 5 में से हमें 1 क्या करना, माइनस करना है। तो 5 देखो पिक्चर बनी है, उसमें क्या हुआ, 1 हमने ये ऐसे क्रॉस कर दिया, काट दिया। उसके बाद देखो कितने बच गए, 1 2 3 4 कितनी बच गई, काउंट करो, 1 2 3 4। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका, 4। 5 में से जब 1 माइनस होता है तो बेटा कितना आएगा आंसर, 4। नेक्स्ट यहां नंबर दिया गया है 4। ठीक है, और 4 में से कितने माइनस कर गए, 3। तो पिक्चर देख रहे हो ना आप सामने, तो इसमें से हम कट करेंगे पहले 3, ये 1 2 3। अब क्या बच गया, ओनली 1। तो आंसर क्या जाएगा, 1। गुड। नेक्स्ट है 9 नंबर है, और हमें क्या करना है, 6 माइनस करना है। कितना नंबर माइनस करना है बेटा, 6। तो हम पहले 6 इसमें से कट कर देंगे, ये 1 2 3 4 5 6। 6 क्या की मैंने अभी यहां पर पिक्चर जो थी वो कट कर दिया। उसके बाद की काउंटिंग कैसे, कितनी बच गई हमारे पास, 1 2 3। तो 3 आएगा आंसर इसमें। नेक्स्ट है नंबर 3, और हमें इसमें से क्या करना है, 2 माइनस करना है। तो ये 1 2 हमने क्रॉस कर दिया, माइनस कर दिया, अब कितना रह गया, 1। तो 3 में से 2 अगर माइनस होता है तो बच्चे क्या आएगा, 1। नेक्स्ट 4 डिजिट दी गई है यहाँ पर, 4 नंबर देख रहे हो आप, उसमें से 2 माइनस करना है। तो अभी बताया था ना, देखो 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 ही आएगा। देखो जैसे क्रॉस कर दिया, 1 2, अब कितने बच गए, 1 2। तो 2 आंसर, गुड। नेक्स्ट 10 नंबर है, 10 में से हमें 4 माइनस करना है। कितना करना बेटा, 4, 1 2 3 4। ये हमने 4 स्टार करके क्रॉस कर दिया। अब हम काउंट करेंगे कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6। तो लास्ट नंबर क्या आया बेटा, 6। तो आंसर क्या होगा हमारा, 6। नेक्स्ट है 7 नंबर, कितना नंबर है बच्चे, 7। 7 में से कितने माइनस करने हैं और बताइए, 5। गुड, 1 2 3 4 5। 5 हमने क्या किया, माइनस कर दिया, क्रॉस कर दिया, काउंट करते हैं इसके बाद की बच्चे, 1 2। तो आंसर भी क्या होगा बच्चे, 2। नेक्स्ट है 8 में से 7 माइनस कर दे, तो 7 जो डिजिट दी गई हमें क्रॉस कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या हमने क्रॉस कर दे, बाकी कितने रह गए बच्चे, ओनली 1। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, माइनस के आपके लिए सीख सकते हो सवाल की कैसे माइनस करते हैं। जैसे नंबर दिया हो अभी, जैसे कि 10,
टाइम में से बोल दिया जाए कि 5 कट करो, ठीक है, माइनस करो, तो आप क्या कर सकते हो, फिंगर्स पर भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे 10 है, 4 फिंगर्स और थंब मिलाकर टोटल कितना है 10, 10 में से 5 बोला ना, तो 1 2 3 4 5, 5 माइनस कर दो तो फिर 5 काउंट करो कितने रह गए, 1 2 3 4 5, तो 5 टोटल इस तरह से आपको अच्छे से आ गया हो, नहीं आया तो एक दो बार और वीडियो देखो, अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।